हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा, होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट। तेजस्वी श्री महेश्वर कॉम्प्लेक्स, बैंकर्स कॉलोनी, रहमगंज, दरभंगा, फ्लैट बुकिंग ओपन। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर, दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। खाने का स्वाद अलग अंदाज, खाना खजाना, ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नरपति नगर, NH57, सकरी रोड, दरभंगा। हर आयोजन को बनाइए खास, करी नाइट्स की पेशकश, शुभ नाइट्स, बैंक्वेट हॉल, बेला मोड़ से आगे, मिथिला फ्लावर मिल के निकट, दरभंगा। उम्मीद से काफी आगे निकला दरभंगा एयरपोर्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया वीडियो शेयर। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर है, जो जताई जा रही उम्मीद से काफी आगे निकल गया है। उत्तर बिहार के इस दरभंगा में पिछले साल 8 नवंबर से एयरपोर्ट की शुरुआत होने से यहां न केवल यात्री विमानों की संख्या बढ़ी बल्कि यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस एयरपोर्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई अव्यवस्थाओं और परेशानियों के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती साख को लेकर ट्विटर पर 7 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे बहनों भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुँच रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस शहर से और भी फ्लाइट्स बढ़ेंगी तथा हवाई एक्टिविटी एवं एयरपोर्ट का और अधिक विस्तार होगा। वीडियो में श्री पुरी ने बताया कि उड़ान योजना के तहत देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों में एयरपोर्ट शुरू किए गए। मंत्री ने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल के हमारे भाई बहनों के लिए वरदान साबित हुआ है। इससे 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से सटा दरभंगा, एक ऐतिहासिक शहर जो तेजी से विकसित हो रहा है। उत्तरी बिहार का ये शहर सांस्कृतिक एवं सर्वधर्म संभाव को संजोए है। 8 नवंबर 2020 को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इस शहर को हवाई मार्ग से जोड़ा गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दरभंगा सिविल एनक्लेव व्यस्ततम RCS एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर है। दिन की 3 उड़ान अब 6 उड़ानों तक पहुंच गई हैं, जो इस शहर को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगरों से जोड़ती है। दरभंगा एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत दिवाली के शुभ अवसर को पर 8 नवंबर पिछले वर्ष हुई, इट ऑलरेडी हैज 6 ऑपरेशनल फ्लाइट्स। हमें हमेशा उम्मीद थी कि दरभंगा से बहुत ही डिमांड होगी, पर जितनी डिमांड हम अब देख रहे हैं, आई मस्ट कन्फेस इट इज इवन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। भारत में सिविल एविएशन की ये जो स्टोरी है, उसकी जो एक सेगमेंट है जिसके बारे लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वहां से तो लोग हवाई यात्रा करना चाहते हैं, बट अ एस्पेक्ट नॉट सफिशिएंटली अप्रिशिएटेड इज कि जो हमारी Tier 2 और Tier 3 सिटीज है, दैट देर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल देयर। और प्रधानमंत्री जी ने जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम चालू की थी, दिस इज सीइंग ग्रेट सक्सेस। तकरीबन 200 यात्रियों की क्षमता वाले दरभंगा एयरपोर्ट में चाइल्ड केयर रूम, बैगेज एक्सरे मशीन, कन्वेयर बेल्ट्स के साथ सभी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।
एयरपोर्ट पर एयरबस 320 प्रकार के दो विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग को क्षेत्रीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से स्थानीय पहचान दी गई है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से बिहार के करीब 17 जिलों के यात्रियों को लाभ होगा। मिथिलांचल निवासी कई वर्षों से इस हवाई अड्डे को शुरू करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कई घंटे का सफर करके पटना से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। Earlier we used to come to Patna and then from there it was a 3 to 4 years hassle. It was quite a traffic and all. But this Darbhanga airport is literally a blessing for us. It's like generally we are from Muzaffarpur, so it takes like 45 minutes and all to reach there. It's quite a comfortable. There is no traffic, no hassle. It's very peaceful, so it's literally blessing. It's पहले पटना जाना पड़ता था तो कभी कभी जाम में फंस जाते थे, बहुत समय लगता था, एक पूरा दिन निकल जाता था। अब है कि हम लोग एक घंटे दो घंटे में बस प्लान करके आ सकते हैं। एक लगता है कि हाँ घर के बगल में ही आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। कोरोना महामारी के चलते दरभंगा एयरपोर्ट पर सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। टर्मिनल में सामाजिक दूरी बनाए रखने, यात्री सामान को सैनिटाइज करने से लेकर एयरपोर्ट पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सन 2017 में शुरू हुई उड़ान स्कीम के तहत देश के हर हिस्से को हवाई यात्रा से जोड़ने का संकल्प किया गया था। इसके तहत अभी तक लगभग 57 हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जा चुका है और 326 नए हवाई मार्गों पर यात्रा शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में दरभंगा एयरपोर्ट एक मिसाल है। We have already now got nearly 350 उड़ान routes operationalized और दबा के सब जगह से हमें डिमांड आ रही है, यूपी में, बिहार में, बाकी देश के अन्य राज्यों से। दरभंगा के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मिथिलांचल रीजन है, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये दरभंगा एयरपोर्ट जो है, ये 17 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको केटर करेगा। और पिछले वर्ष जब मैं वहां गया था और मैंने फिर देखा, उसी समय हमने निर्णय ले लिया था कि हमको एयरपोर्ट का सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नई टर्मिनल बिल्डिंग, जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बंगलुरु एंड वन मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे थोड़ा सा चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है, और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये 3 नहीं, तो हमें तो और फ्लाइट्स ऐड करनी गई। अब अहमदाबाद के साथ भी लिंकेज हो गया। सो अभी हमारे पास उड़ान के तहत 57 एयरपोर्ट्स है और हमने 326 रूट्स जो है ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। पर ये आंकड़े भी रोज बदल जाते हैं, बिकॉज द रेट एट विच वी आर एक्सपेंडिंग, वो नंबर ऑफ रूट्स विच आर बीइंग अवार्डेड, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अंडर सर्व अनसर्विस्ड एयर स्ट्रिप्स, ऑल दोज आर बीइंग एडेड बाय द डे।